वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी नारियल की मिठाई। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मज़ेदार किस्म की नारियल की मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले पैन में हम 1 लीटर फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे, फुल क्रीम मिल्क है ये। जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा फिर हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नारियल की मिठाई बनती है। नारियल के बहुत से फ़ायदे हैं। नारियल मैदे की ख़राबियों को दूर करता है। देखिए बॉयल्ड आ चुका है, नारियल हमने ऐड कर दिया है एक प्याली भर के। होममेड पनीर ऐड करेंगे, 1/2 कप पनीर है। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर की जगह आप इलायची के बीज भी ऐड कर सकते हैं। नारियल जो है हमारी जो बॉडी में थकावट सी हमें फील होती है, अगर हम ये मिठाई बना कर सेव कर लें तो अक्सर खाते रहें तो इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए हमने पनीर भी ऐड कर दिया है, 1 कप चीनी भी ऐड कर दी है, पिस्ता बादाम भी ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर ली है। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है आपने। साथ ही हम थोड़ा सा केवड़ा भी ऐड कर देंगे जिससे ज़बरदस्त नारियल की मिठाई की खुशबू आएगी। नारियल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली नज़ला ज़ुकाम और फ्लू में तो बहुत ही मुफीद है। और जिन लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कमर दर्द की, उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है और स्पेशली हमारी कुर्ते मदाफत को बढ़ाता है। ये देखिए दूध भी खुशक हो चुका है। जब तक दूध नहीं खुशक होगा आपने तब तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे नहीं। घर में तो मिठाई बनाने का अलग ही मज़ा है, स्पेशली वो भी नारियल की। जैसे ही हम दूध के अंदर नारियल ऐड करते हैं ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है। आपने इसको थोड़ा सा कलर देना है, मतलब इसको गोल्डन सा ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पर, स्पैचुला के साथ लगातार टर्न करते जाना है। ये देखिए जैसे ही बादामी कलर हो जाए, देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, एक डो की फॉर्म में आ गया है। अक्सर आप दावतों में बनाएं, ईद पे बनाएं, अपने हाथ से मिठाई बनाने का तो अलग ही मज़ा है। अब एक पैन के अंदर मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और मिक्सचर को हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा इवन कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसा बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए स्पैचुला की मदद से और ऊपर हम गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ बारीक कटे हुए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की नारियल की मिठाई रेडी होगी। उसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इवन कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे पिस्ता ऐड करने के बाद, ताकि पिस्ता हमारा अच्छे से मिठाई के साथ सेट हो जाए। और उसके बाद हम मिठाई को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मिठाई थोड़ी सी हमारी सेट हो जाए। नारियल जो है स्किन के लिए तो बहुत ही मुफीद है। ये कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, 1 घंटा हो चुका है। अब कटिंग करेंगे। नारियल जो है हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है। जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है, और ये फौरन आप में तवानाई पहुंचाता है। स्पेशली आप लोग ऐसे करें कि इस तरह की मिठाई बना के रख लें और उसको सेव कर लें, मिठाई ये ख़राब नहीं होती। जिस शेप में आप कटिंग करना चाहते हैं उस शेप में आप कटिंग कर लें। देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की नारियल की मिठाई, होममेड नारियल की मिठाई तैयार है। ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को, और आपने फीडबैक देना आपकी कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार नारियल की मिठाई तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।